संगम नगरी का महाकुंभ 2025 हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होने जा रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में आस्थावान सनातनी पूरी दुनिया से प्रयागराज में उमड़ेंगे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर महाकुंभ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार ने महाकुंभ को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट पहले ही तय कर दिया है। वहीं अकेले बिजली की व्यवस्था पर ही सरकार लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो कि 2018-19 के कुंभ की तुलना में दोगुना है। उल्लेखनीय है कि 2018-19 में सरकार ने 192 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इस बार ये रकम 400 करोड़ के करीब है। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को दूधिया रोशनी से जगमग करने के लिए 67,000 से भी अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इनमें लगभग 2000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटें होंगी, जिन्हें प्रमुख घाटों और मेला क्षेत्र में सड़कों के जंक्शन पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए योगी सरकार 109 डीजी सेट की भी व्यवस्था करेगी, जिससे पूरे मेला क्षेत्र को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 11 केवी के 15 रिंगमैन यूनिट्स भी लगाए जाएंगे, जिनसे अचानक पावर सप्लाई बाधित होने की दशा में तत्काल दूसरे स्रोत से बिजली को ऑटो चेंज करके प्राप्त किया जा सके। इन्हें हर 6 सबस्टेशन के बाद स्थापित किया जाएगा। मेला क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मैन पावर और अत्याधुनिक उपकरणों के लिए योगी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इनमें स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग के लिए 4 आधुनिक वैन लगाए जाएंगे। मेला खत्म होने के बाद इन वैनों का उपयोग आगामी माघ मेलों और प्रयागराज शहर के स्ट्रीट लाइटों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 4 मोबाइल हाईमास जनरेटर भी लगाए जाएंगे। इनका उपयोग मेले के विद्युतीकरण से पहले मेला क्षेत्र में विभिन्न कार्यस्थलों पर रोशनी देने के लिए किया जाएगा। मेला खत्म होने के बाद इन मोबाइल हाईमास जनरेटर का उपयोग आगामी माघ मेलों और प्रयागराज शहर के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेले में लगे स्ट्रीट लाइट और तारों की देखरेख के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की मदद ली जाएगी। तकरीबन 1.5 लाख ICT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम में QR कोडिंग और जियो टैगिंग के जरिए बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे फॉल्ट और करंट लीकेज का तत्काल पता लगाकर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने में मदद मिलेगी। मेला क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए पूरे इलाके की ऑटोकैड के जरिए प्रॉपर मैपिंग कराई जाएगी।